हेलो दोस्तों, निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जब मैं लाइव स्ट्रीम लेता हूं बहुत क्वेश्चंस आते हैं मिड कैप के बारे में, मिड कैप इंडेक्स के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है आपको मिड कैप के बारे में समझ में आएगा, मिड कैप में जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी इंडेक्स है उसके बारे में समझ में आएगा, और मिड कैप जो इन्वेस्टिंग है आपके लिए सही है या नहीं उसके बारे में हम समझ पाएंगे। दोस्तों कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। और अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को 1.5 की भी जो प्लेबैक स्पीड है उसमें भी आप देख सकते हैं, ताकि और अच्छा आपको क्विकली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब देखिए मिड कैप कंपनियां क्या होती है, जो 101 नंबर से 250 नंबर के मार्केट कैप की कंपनियां हैं वो मिड कैप कंपनी होती है। अब देखिए सबसे ऊपर आता है लार्ज कैप कंपनी, मतलब एक नंबर से 100 नंबर तक की कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है। तो उसमें जैसे रिलायंस आ गया, इंफोसिस आ गया, एचडीएफसी बैंक आ गया, आईटीसी आ गया, कोटक महिंद्रा बैंक आ गया, ओएनजीसी आ गया, कोल इंडिया आ गया, ये सब टोटल 100 कंपनी होती है, सबसे बड़ी कंपनी आप कह सकते हैं। तो इनका मार्केट कैप सबसे बड़ा होता है, ये बड़ी कंपनी है, तो वो लार्ज कैप कंपनीज हो गई, एक स्टेबल कंपनी जो कहा जाता है लार्ज कैप कंपनीज। फिर उसके बाद आता है 101 नंबर से 250 नंबर तक की जो कंपनी है वो मिड कैप। अब ये जो रैंकिंग है हर 6 महीने चेंज होती रहती है, तो अभी जो रैंकिंग आई है ये जून तक की रैंकिंग, अभी दिसंबर खत्म होगा, फिर अगले कुछ दिनों में फिर एक नई रैंकिंग आई, उसमें से कुछ स्टॉक ऐड होंगे, कुछ स्टॉक निकल जाएंगे, तो वो एक चीज होती है। तो 101 से 250 के मार्केट कैप की जो कंपनी, कुछ नाम हम थोड़ी देर में हम लेने वाले हैं दोस्तों। अब उन कंपनियों में कुछ आप एक फिल्टर, एक और फिल्टर आप ऐड कर दीजिए, वो फिल्टर है क्वालिटी का फिल्टर। तो उसके बाद वो 150 में से 50 नाम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वो भी जानेंगे कि अब जब आप क्वालिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या रिटर्न अच्छा मिल रहा है मिड कैप की तुलना में, क्या रिस्क आप ज्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं, वो भी हम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब देखिए जब आप मिड कैप की बात करते हैं तो मिड कैप जो स्टॉक्स हैं उनमें पोटेंशियल बहुत होता है, वो कल लार्ज कैप भी बन सकते हैं, और लार्ज कैप भी वो बन सकते हैं। तो आपने मिड कैप में उनको पकड़ लिया, लार्ज कैप बन गए, अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, लेकिन रिस्क भी होता है क्योंकि बहुत कंपनियां मिड कैप बन गई लेकिन अब सस्टेन नहीं कर पा रहे तो वो बाहर भी निकल सकते हैं और आपकी अच्छी खासी वेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन जो जनरली जो डेटा में देखा गया है कि मिड कैप जनरली यहां पर रिटर्न का पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन रिस्क भी लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लेट्स से बिल्कुल अपने रिटायरमेंट के पास आ रहे हैं, जो इक्विटी में बिल्कुल पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो मिड कैप कैटेगरी थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो उसके लिए आपके फिर जो एडवाइजर है वो आपको सलाह देंगे। अब यहां पर क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी बहुत रिसेंट में ही 2020 में मार्केट गिरी थी, तो निफ्टी देखिए 38% गिरी थी, मिड कैप वाला जो इंडेक्स था 43%, मतलब और ज्यादा गिरा। 2008-09 में जब मार्केट गिरी थी तो निफ्टी देखिए 59% गिरी, 59.5, और मिड कैप देखिए 73% गिरा, मतलब एक अच्छा खासा गिरावट हुई है। लेकिन गिरावट हुई है लेकिन आप रिटर्न लॉन्ग टर्म में देखिए मिड कैप के निफ्टी से ज्यादा रिटर्न है, आप देखिए 15.2 और यहां पर 17.3। तो यार आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन रिस्क आप ज्यादा ले रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं कि आपको रिटर्न ज्यादा मिले। अब देखिए मिड कैप कंपनीज में होता क्या है कि एनालिस्ट लोग कम होते हैं और कंपनी जो होती है कम कवर होती है। अब देखिए जैसे मैंने ये एक रैंडम एक लाइन खींची है, ठीक है, एक रैंडम ब्लैक कलर में लाइन खींची है। तो अब इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, जैसे लगभग 18, 20, 21 एनालिस्ट लोग हैं वो 90% जो लार्ज कैप की कंपनीज हैं उनको फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं। मतलब लार्ज कैप की कंपनीज क्या होती हैं, बहुत लोग उनको ट्रैक करते हैं, पता होता है बिजनेस क्या है, कैसा चलेगा, कैसा काम करेगा, तब पता चलता है, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी होती है क्योंकि आपको पता है कि कैसा बिजनेस होने वाला है। मिड कैप में क्या होता है, वही एनालिस्ट लोग कम हो जाते हैं। अब देखिए वही 18-20 एनालिस्ट जो 90% देख रहे थे वही मिड कैप के केस में लगभग 40% से थोड़ा ऊपर हो गए। तो यहां पर ये सब कंपनियां थोड़ी अंडर रिसर्च रहती है, तो इसीलिए कहते हैं ना रिस्क क्यों ज्यादा है।
अंडर रिसर्च्ड कंपनी रहती है, क्योंकि एनालिस्ट लोग कम रहते हैं तो हमको कंपनी के बहुत डिटेल्स में डीप में पता नहीं चलता है। दूसरी चीज मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो जो FII DII आप देखिए, यहाँ निफ्टी में 17-18-28% है और मिड कैप में कम है 13-16%, तो अंडर ओन्ड कंपनीज भी रहती है। तो ये सब कुछ रिस्क पैरामीटर्स यहां पर रहते हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न देखेंगे तो मिड कैप का ज्यादा रिटर्न रहता है। अब जब आप मिड कैप की बात कर रहे हैं तो मिड कैप में जो 150 कंपनी है तो हम एक फिल्टर वहां पर डाल देते हैं, क्वालिटी का फिल्टर। अब उसमें क्या है, ग्रोथ पैरामीटर्स भी आपने ऐड कर दिया, वैल्यूएशंस भी ऐड कर दिया, तो मिड कैप के अंदर भी हमने देखा मिड कैप में थोड़ी देर पहले रिस्क ज्यादा है, लेकिन कुछ कंपनियों को हमने ऐसा चुन लिया जो ग्रो अच्छा कर रही है टोटल मिड कैप का जो इंडेक्स है उसकी तुलना में, और आपको सस्ती भी मिल रही है, मतलब आपको महंगे भी नहीं मिल रही है। पी रेशियो भी आप देखिए दोनों का बराबर है, मिड कैप का और मिड कैप क्वालिटी का, दोनों का ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, जब आप क्वालिटी कंपनी को ले रहे हैं मिड कैप के अंदर ही, ठीक है, तो आपके रिटर्न्स और ज्यादा अच्छे हो जा रहे हैं। आप देखिए हम यहां पर अब मिड कैप कंपनीज की बात नहीं कर रहे, 150 कंपनीज, अब हम बात कर रहे हैं अब सिर्फ 50 कंपनी जो क्वालिटी कंपनी है, जो 150 में से हमने चुना हुआ है जो क्वालिटी, और ये क्वालिटी का इंडेक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इन सब कंपनीज ने क्या हुआ है, पिछले 17 सालों में 11 बार मिड कैप इंडेक्स को बीट किया है, मतलब आपको रिटर्न भी ज्यादा है रिस्क भी कम है। हाँ मिड कैप का है तो रिस्क तो ज्यादा ही रहेगा, लेकिन क्वालिटी का यहां पर एक फिल्टर आ गया है। जैसे आप यहां देख सकते हैं टोटल 500 कंपनीज हैं, उसमें से 150 कंपनियां मिड कैप की कंपनी हो गई, हमने जो देखा 101 नंबर से 250 नंबर की। अब उसमें से भी एक और आपने रिफाइन कर दिया, जैसे कुछ क्राइटेरिया को लेकर, और आपने 50 कंपनियों को चुना। अब वो क्या क्राइटेरिया है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर ने कितना पैसा डाला और उसमें से कंपनी ने कितने कमा के दिया, एक बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रहा हूं, इस पर तो मैं एक अलग से क्लास भी ले सकता हूं, बट रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, तो उसको एक क्वालिटी का पैरामीटर रख दिया। डेट इक्विटी, मतलब डेट जितना कम हो उतना अच्छा, हमने देखा है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, 2017 में बहुत अच्छी मार्केट थी, 2018 में जब मार्केट थोड़ा कोलैप्स करना गिरना शुरू हुआ तो जो हाई डेट वाली कंपनियां थी खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में, उनके लिए बड़ी तकलीफ हो गई और शेयर होल्डर्स ने बहुत पैसा तब गवाया हुआ है। कुछ पुराने जो इन्वेस्टर्स होंगे मेरे साथ शायद सहमत भी हो, तो डेट जितना कम हो उतना अच्छा है, तो लेवरेज वाली कंपनियों को जनरली अवॉइड किया जाता है, वो एक चीज है, लेकिन हाँ लेवरेज फाइनेंशियल बैंक्स में होता ही है तो उनको कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि बैंक के लिए तो बिल्कुल रॉ मेटीरियल है डेट, ठीक है। और क्वालिटी में एक और पैरामीटर है, वो है अर्निंग पर शेयर का, जो है वो पैरामीटर है, अर्निंग पर शेयर का पैरामीटर उसके बाद हमने देखा हुआ है, ठीक है। अब कौन सी 10 कंपनियां हैं जो यहां पर है, कुछ कंपनियों के जैसे नाम है, जैसे ये क्वालिटी कंपनीज में आ गया, पेज इंडस्ट्रीज हुआ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हुआ, टाटा एलेक्सी हुआ, एलएनटी टेक्नोलॉजीज हुआ, माइंट्री हुआ, एम्फासिस हुआ, वोल्टास, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, पीआई इंडस्ट्रीज, ये मिड कैप की ही कंपनियां हैं। मिड कैप की कंपनियों में वो क्वालिटी फिल्टर्स, मतलब कंपनी अर्निंग कर रही है, मतलब प्रॉफिट्स वो कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, और शायद इनका जो कहते हैं ना, जो इनका डेट है, डेट भी इनका कम रहेगा। मैं तो कुछ आईटी कंपनीज ये सब जैसे देख पा रहा हूं, इनका तो मुझे लगता है डेट कम ही होना चाहिए, तो डेट भी कम होगा। वैल्यूएशन वाइज भी जो डेटा ने दिखाया है कि बाकी मिड कैप के तुलना में मतलब बराबर ही वैल्यूएशन है, तो ये सब कुछ कंपनियां हैं। तो यहां पर पावर सेक्टर की कंपनियां शायद नहीं रहे, या जहां पर डेट बहुत ज्यादा होता है वो सब कंपनियां यहां पर ना रहे। अब सेक्टर कौन कौन किससे हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स है, आईटी है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल्स है, ऑयल एंड गैस है, फार्मा है, तो ये सब सेक्टर्स का पूरा मिला के एक इंडेक्स ही है, ठीक है। अब आपको इस इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, ये चूंकि एक ETF है, 150 में से 50 कंपनी का एक क्वालिटी का एक ETF ही है, और ये 50 में से 10 स्टॉक जो टॉप 10 है जो मैंने आपके साथ यहां पर शेयर किए हुए, तो इसके लिए ETF भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो जैसे अभी बहुत, चूंकि ये सब जो मैंने डेटा लिया हुआ है ये मैंने DSP का डेटा लिया हुआ है, तो DSP निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 ETF है, तो आप डायरेक्ट ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपने इन ETF में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने एक तरीके से इन सारी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। क्या आपके लिए सही है,
जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, आपको अपना रिस्क देखना है। जब आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक तरीके से वो कहते हैं ना 150 कंपनी में किसी एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट करते हो, आप कभी भी पैसा लगाते हो तो आपके लिए रिस्क ज्यादा हो जाती है। लेकिन क्वालिटी कंपनीज में डाला आपने, 50 कंपनियों की एक बास्केट में इन्वेस्ट कर दिया ETF के जरिए, तो आपके लिए मुझे लगता है रिस्क कम बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी मिड कैप कंपनियां भी कल स्मॉल कैप बन सकती है और बाहर निकल सकती है, तो वहां वेल्थ बहुत ज्यादा जा सकता है। लेकिन मिड कैप जो है जो बिल्कुल कैरियर, लेट से कैरियर, तो चलिए जिन्होंने शुरू कर दिया है उनके लिए तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। जिनका 4-5 साल का इक्विटी का एक्सपीरियंस है, जो एटलीस्ट 15-20 साल अपना लॉन्ग टर्म का होराइजन रख सकते हैं, या एटलीस्ट 7-10 साल का होराइजन रख सकते हैं, तो उनके लिए जो मिड कैप्स हैं अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी जैसे मार्केट ऑलरेडी एलिवेटेड हाई लेवल्स पे है, तो मार्केट नीचे जाए तो फिर SIP के माध्यम से वहां पर भी एडिशन और जो भी है वो बढ़ा सकते हैं अपना एलोकेशन या कम कर सकते हैं, तो वो सब चीज भी हो सकती है। और क्योंकि ये तो ETFs हैं, मैं तो यहाँ DF की बात कर रहा हूँ, ETF तो आप अपने डायरेक्ट जो आपका जो DMAT है DMAT के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं जब भी आपको इंटरेस्ट हो, तो वो सब चीज भी किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वैल्यू मिलती रहे। धन्यवाद।